भक्ति रस में डूबा हुआ है जहाँ का खंड खंड वो जगह है देवभूमि उत्तराखंड। और देवभूमि उत्तराखंड में इस समय चल रही है चार धाम यात्रा, यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम। तो इन्हीं धामों में से अब मैं आ पहुंचा हूँ यमुनोत्री धाम की यात्रा करके गंगोत्री धाम, जो कि है चार धाम यात्रा का दूसरा धाम, जहाँ पे है माँ गंगा का बहुत ही प्यारा मंदिर। गंगोत्री धाम जो है वह माँ गंगा का उद्गम स्थल माना जाता है। वैसे वास्तविक उद्गम स्थल जो है वह गौमुख है, जो कि यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर है, ट्रैकिंग करके वहाँ पे जाना होता है। और गंगोत्री धाम का वैसे शाब्दिक अर्थ जो है वो ये होता है गंगा उतरी, जहाँ पे माँ गंगा उतरी वह स्थान है गंगोत्री। तो आज इस गंगोत्री धाम के आपको पूरे दर्शन कराऊंगा, इससे जुड़ी हुई सारी जो जानकारी है वो दूंगा, और साथ ही बताऊंगा मैं आपको इस स्थान की क्या है महिमा, क्या है इस स्थान की पौराणिक कथा। और वहां तक जाने के लिए हमें पार करना होगा मेरे पीछे जो आप ये द्वार देख रहे हैं, इस द्वार को पार करके हम आगे जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको मेरे सहयात्री से मिलवाऊंगा, और वो है मेरा कजन मोहित, जो यमुनोत्री धाम से यहाँ मेरे साथ में सीधा आया है। यमुनोत्री धाम के दर्शन करके अभी हम आए हैं गंगोत्री जी, और केदारनाथ जी के हमने पहले दर्शन किए हुए हैं। फिर एक धाम बचेगा बद्रीनाथ जी का, वो भी बद्रीनाथ जी के हुक्म से जल्दी पूरा करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी चलते हैं गंगोत्री धाम के दर्शन करते हैं। तो ये बना हुआ है द्वार, यहाँ पे आप देख रहे हैं, और इसके बाहर जो आप ये देख रहे हैं ये है पार्किंग एरिया। जो बसें होती हैं या जो आपके वाहन होते हैं, टैक्सीज होती हैं, वो सब यहाँ पे पार्क होती है। आगे तक आप देख सकते हैं वहाँ पे बसें खड़ी हैं, और जब यात्रा स्टार्ट हुई तब तक तो बहुत किलोमीटर तक पार्किंग थी। रुद्राक्ष की मालाएं और स्फटिक की मालाएं यहाँ पे मिल रही हैं। द्वार को पार करके अंदर आ चुका हूँ, और सबसे पहले आप ये देखिए प्रकृति का मनमोहक नज़ारा, प्यारा प्यारा ये देखिए आप। तो आप जैसे ही आगे आते हैं तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये निशुल्क टोकन वितरण केंद्र है। यहाँ पे आपको इस तरीके से स्कैन करवाना होता है अपना रजिस्ट्रेशन, और टोकन प्राप्ति करनी होती है। यहाँ से हो गए हैं होटल स्टार्ट, क्योंकि आप जब आते हैं आपके मन में सबसे पहला सवाल होता है मैं रुकूं कहाँ पे। तो रुकने के लिए यहाँ पे हर बजट के होटल्स हैं, 500 से रूम स्टार्ट हो जाता है जो आगे जाता है। और खास बात यह है कि जब यात्रा शुरू होती है और जब यात्रा खत्म होती है उस टाइम पे ही यहाँ पे होती है भीड़ ज़्यादा, तो उस समय जो कमरों की रेट्स है वो ज़्यादा हो जाती है। मैं जिस टाइम पे आया हूँ यह अभी जून का एंड है, और इस समय यात्री लोग उतने नहीं है, तो जो रेट्स हैं वो कम हो गई हैं। तो सब कुछ जो होता है वो यात्रियों की संख्या पर निर्भर करता है। अब इसके बाद में बारिश का मौसम स्टार्ट होगा, तब यात्री काफ़ी कम हो जाएंगे, क्योंकि बारिश के महीने में जब आप आते हैं यात्रा करते हैं पहाड़ों की, तो वो रिस्की हो जाती है, लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है, कभी भी बादल भी फट जाता है जगह जगह पर। हमेशा ऐसा नहीं होता लेकिन ये खतरा बना रहता है, इसलिए यात्री कम आते हैं। आप यहाँ जैसे ही आगे जाएंगे मेरे साथ में आपको सारे जो होटल्स हैं वो दिखते जाएंगे। प्राइसेस जो है वो आपके बजट के हिसाब से आप देख सकते हैं कौन सा आपको कैसा चाहिए। बाकी नज़ारे मेरे साथ में देखिए, आइए देखिए। यहाँ पे आप नंबर भी देख सकते हैं लिखे हुए हैं, तो आप कॉल करके भी पता कर सकते हैं। ऊपर होटल, नीचे दुकानें, पूजा की सामग्री यहाँ पे मिलती हैं। ये देखिए दूरी बताई गई है, जो गौमुख है वो गंगोत्री से है 18 किलोमीटर दूर, बीच में भोजवासा आता है जो कि है 14 किलोमीटर दूर, और उससे पहले आता है चीड़वासा जो कि है 9 किलोमीटर दूर। गौमुख में ही ग्लेशियर है जहां से माँ गंगा जो है भागीरथी के रूप में अपना सफर शुरू करती है, और आगे लास्ट में जाती है बंगाल की खाड़ी तक। तो गौमुख के दर्शन करने के लिए आपको यहाँ पर पहले जो वन विभाग है उससे परमिशन लेनी होती है, उसके बाद में ही आप आगे जा सकते हैं। और वहाँ जाने से पहले आप जो है मौसम उसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी जरूर ले लें कि कैसा रहेगा 3-4 दिन का जो मौसम है, उसके बाद में ही आप आगे जाने का सोचें। गंगा जल ले जाने के लिए है ये, आपको फोन नंबर्स भी दिखा देता हूँ, तो आप वैसे कॉल करके भी आ सकते हैं। पूरा वुडन विला जैसा लुक है इसका।
ये जो चार धाम है इनमें सबसे जो आसान जो यात्रा है ये मान लीजिए आप वो गंगोत्री धाम की ही है, क्योंकि जैसे ही आप अपने वाहन से या बस से यहाँ पर पहुँचते हैं बस स्टैंड से, आपको थोड़ा बहुत चल के ही आगे जाना होता है, आपको वैसे कोई चढ़ाई नहीं करनी पड़ती है। जैसे कि यमुनोत्री में आपको 5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है और केदारनाथ जी में भी 20-22 किलोमीटर की अच्छी खासी ट्रैकिंग आपको करनी पड़ती है। बद्रीनाथ जी के अंदर आपको जो है इजीली जाना होता है, पुल पार करके आप पहुंच जाते हैं, लेकिन गंगोत्री धाम में उससे कम आपको चल के जाना होता है। तो सबसे ईजी जो हो गया वह गंगोत्री धाम है, तो इसमें आपको कोई ऐसे कोई खास कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। बाकी आप यहाँ तक पहुँचने के लिए जो रास्ता तय करते हैं पहाड़ों में वो बहुत ही खूबसूरत है। रास्ते में आता है हरसिल, जिसको देख के मेरा मन हर्षित हो जाता है। दूसरी बार मैं यहाँ पे आया हूँ और मुझे हरसिल देख के बहुत अच्छा लगता है। आप भी आएंगे तो यहाँ के जो नज़ारे आपका दिल चुरा लेंगे। ये है यहाँ की VIP पार्किंग, इतना सा ये जो एरिया है ये देख रहे हैं आप। ये है VIP पार्किंग के पीछे वाले पहाड़, और उस तरफ वहाँ आप देख सकते हैं ATM। अगर आपकी जेब से धन राशि खत्म होने लगे तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं गंगोत्री धाम मंदिर के अंदर जो समय सारणी है दर्शन की वह बताई गई है। उत्थापन यानी कि उठने की जो है सुबह 4 बजे होती है आरती, फिर मंगल आरती 6 बजे, राजभोग आरती 9 बजे होती है, शयन आरती 2 बजे होती है, उत्थापन फिर 3 बजे होती है, यानी कि मंदिर बंद होता है 2 से 3 के बीच में। 5:30 से 6:30 का ये जो टाइम है इसमें श्रृंगार आरती होती है और संध्याकालीन आरती 7:45 पर होती है और शयन आरती रात 9 बजे। और यहाँ आप देख सकते हैं गौमुख की यात्रा अगर आपको करनी है तो उसका जो मार्ग है वो है इस तरफ। वन क्षेत्राधिकारी गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क है ये। तो ये जो आप रास्ता देख रहे हैं यही रास्ता आपको लेके जाता है गौमुख की तरफ, तपोवन की तरफ, नंदन वन की तरफ, और वहाँ जाने के लिए जो परमिशन आपको लेनी होगी उसका कार्यालय है यहाँ पर। चलिए चलते हैं अंदर। तो आ पहुँचा हूँ मैं फॉरेस्ट ऑफिस जहाँ पे है वहाँ पर, और यहीं से मिलती है आपको गौमुख तक जाने की परमिशन। परमिशन के लिए जो रिक्वायर्ड है वो होता है आपका ID। आपको अपना ID यहाँ पर दिखाना होता है, फोटोकॉपी उसकी देनी होती है, और ख़ास बात यह है कि एक अकेले बंदे को इस ट्रैक पर जाने के लिए परमिशन नहीं मिलती है, क्योंकि तबीयत कभी भी बिगड़ सकती है, तो कोई ना कोई संभालने वाला आपके साथ में होना चाहिए। मॉर्निंग टाइमिंग जो है वो 8 से 10 बजे की ऑफिस की, और इवनिंग में है 5 से 7 बजे तक इवनिंग में। तो ये है परमिशन लेने की टाइमिंग्स। और नॉर्मली गौमुख के लिए जैसे 2 दिन की परमिशन दी जाती है तो उसके चार्ज होते हैं 200 रुपये। अगर आपको ज़्यादा टाइम लग जाता है तो आपको जो फीस है वो थोड़ी सी एडिशनल देनी होगी। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 2 दिन के अंदर कैसे भी लौट के ही आना है तबीयत खराब होने पर भी। और यहीं से जाता है नंदनवन और तपोवन के लिए भी ट्रैक। तो ट्रैक के लिए आपको परमिशन लेनी होगी। नंदनवन और ये तपोवन है उसके ऊपर आप अकेले नहीं जा सकते हैं, उसके लिए जो इनकी तरफ से ऑथराइज्ड एजेंसीज होती हैं, जो ट्रैवल एजेंसीज होती हैं, सिर्फ वही आपको लेके जाएंगी, और वही आपके लिए सही है, क्योंकि वहाँ पे फिर आगे कोई व्यवस्था नहीं है। तो आपके लिए खाने पीने का सामान, रुकने के लिए टेंट्स, सारी चीज़ें, सारी व्यवस्था वो करेगी। तो उससे आपका ये जो सफ़र होगा, ये यात्रा होगी, बहुत ही अच्छी हो जाएगी। एक दिन के अंदर जो 150 यात्री होते हैं उनको ही परमिशन दी जाती है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। आप सोचें कि कभी भी जाएं और हमें इजीली मिल जाएगी, ऐसा भी नहीं है, लेकिन आपको मिले भी नहीं ऐसा भी नहीं है। तो जब भी आपको यात्रा करनी हो आप यहां पर आके संपर्क कर सकते हैं। गौमुख का ट्रैक 18 किलोमीटर का है और बीच बीच में पड़ाव जो आते हैं वहां पे आप रुकते हुए रेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ में है ये भाई साहब जो यहाँ यात्री आते हैं उनको यात्रा करवाते हैं, गाइड हैं ये। तो भाई साहब सबसे पहले अपना नाम बताइए। हमारा नाम श्री सुमन सिंह रावत जी। तो सुमन भाई साहब आप देंगे जानकारी गौमुख ट्रैक के बारे में। तो सबसे पहले यात्रा यहाँ से शुरुआत हम करते हैं, तो कितने किलोमीटर की होती है यात्रा? ये 18 किलोमीटर की होती है। और यात्रा के पड़ाव कौन कौन से हैं? यात्रा के पड़ाव हैं 4 किलोमीटर पे जोगाड़ है, फिर 9 किलोमीटर पे चिड़वासा है, फिर 14 किलोमीटर पे भुजवासा है, फिर वहाँ से 4 किलोमीटर गौमुख है, फिर वहाँ से 4 किलोमीटर ऊपर तपोवन है। तो तपोवन के लिए अलग से चार्जेस होते हैं? जी, तपोवन के लिए तो अलग से होते हैं। तो गौमुख के आपके चार्जेस क्या हैं? वो क्या है कि एक दिन में यहाँ से 14 किलोमीटर जाता है आदमी, हाँ जी, तो दूसरे दिन वहाँ से गौमुख जाता है, या तपोवन जाए तो तपोवन भी जा सकता है, फिर तीसरे दिन रिटर्न आ सकता है भुजवासा, 14 दिन गौमुख। 4 दिन में तपोवन का ट्रैक हो जाता है, गौमुख वाला 3 दिन में कर सकते हैं। 3 दिन में कर सकते हैं।
और ये जो नंदनवन वाला है ये अलग पड़ जाता है? जी 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 बिल्कुल अलग पड़ता है, वो एजेंसी के थ्रू ही जाना होगा। एजेंसी से भी ऐसे भी जा सकते हैं, पर ये उसके लिए व्यवस्था पूरी करनी पड़ती है, टेंट वेंट सब कुछ। तो इसमें घोड़े वगैरह भी लेके जाते हैं लोग? घोड़ा तो सर, घोड़ा तो खच्चर 14 किलोमीटर तक मिलता है। 14 किलोमीटर तक है, और उसके चार्जेस क्या होते हैं? उसके चार्ज है वन साइड का 1500 रुपए। 1500 रुपए यानी 3000 रुपए आने जाने के हो गए हैं। और मैं ये जानना चाहूंगा, वैसे तो यात्रा जैसे 6 महीने की होती है उसी टाइम पे शायद जा सकते हैं, उसके बाद में तो वैसे कोई जाता नहीं, ऑफ सीजन में नहीं जाते ना। तो अब ये जो 6 महीने हैं इसके अंदर बेस्ट टाइम कौन सा रहता है? ये मई जून और सितंबर अक्टूबर, यानी बारिश के महीनों से बचना होता है, बचना होता है, यानी जुलाई अगस्त। अब जरा आप अपने फोन नंबर भी बता दीजिए ताकि अगर कोई यात्रा करना चाहे तो आपसे कांटेक्ट कर सके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरा फोन नंबर है 7561। 7561। तो अब इनके नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको गौमुख की यात्रा करनी हो तो। जी 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 बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम चलते हैं वापस मंदिर की तरफ, गर्मा गर्म जलेबी भी मिल जाएगी यहाँ पे। यहाँ है भजिए, देखिए नमक पारे खाने हैं आपको, ब्रेड पकौड़ा या फिर ये मक्खन बड़ा, देखिए डोसा दलिया पाव भाजी उत्पम सैंडविच सब मिलेगा। यहाँ पर मुझे दिख गया है मेरा फेवरेट बुरांस, पहाड़ों में जब भी मैं आया हूँ तब मैंने इसका सेवन किया और यह हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। एक ख्वाहिश जो मेरी आज तक अधूरी है वो है बुरांस के जो फूल होते हैं उनसे बनती है बहुत ही शानदार चटनी, इसके बारे में मैंने बहुत सुना है लेकिन अभी तक मुझे खाने का मौका नहीं मिला है, तो देखते हैं कब ये इच्छा पूरी होती है। बाकी बुरांस का जूस जो है वो हार्ट के लिए बहुत ही बेहतरीन है। देखिए आप यहाँ से दर्शन कर सकते हैं गंगा मैया के, भागीरथी मैया के, उनका प्रबल वेग आप देख सकते हैं कितनी तेज ध्वनि उत्पन्न हो रही है उनके बहाव से। खरीदारी करने के लिए काफ़ी कुछ है यहाँ पे, ऊनी कपड़े आप देख सकते हैं यहाँ पे मिलेंगे, लेडीज़ के लिए काफ़ी कुछ है, लड़कों के लिए मुझे इतने ऑप्शन लग नहीं रहे हैं। अगर आप घर से भी नहीं लेके आ पाए हैं गर्म कपड़े तो आप यहाँ पर ले सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आपको सब कुछ मिल जाएगा, शूज़ भी मिल जाएंगे आपको अगर ट्रैकिंग करनी है आगे। ये देखिए जैकेट्स हैं। बस थोड़ा ही आगे है हमारा होटल, अब देख लीजिए वो होटल जहाँ पे मैं रुका हूँ, नीचे भी हैं कमरे जिनमें गीजर्स हैं और बिना गीजर वाला ऊपर है क्योंकि मुझे ठंडे जल से स्नान करना था। आइए आपको हमारा रूम भी दिखा देता हूँ, और ये देखिए देवयानी गेस्ट हाउस है ये, और इसके फ़ोन नंबर्स भी आप देख सकते हैं। तो ये है हमारा रूम, टॉवल सुखा रखे हैं, धूप अच्छी आ रही है, और इस तरफ से भी गंगा मैया को बहते हुए देख सकते हैं। ये देखिए इस रूम के लिए हमने पे की है 600 रुपीज पर डे के हिसाब से, हम 2 दिन के लिए यहाँ रुके हैं क्योंकि शाम को हम यहाँ पहुंचे थे, कल शाम को अच्छे से हमने एक बार जाके जो संध्याकालीन आरती होती है उसके दर्शन किए थे। जो पीक सीजन होते हैं इसमें इनके चार्जेस बढ़ जाते हैं तो आपको थोड़ी सी बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। गीजर वाले रूम भी हैं और विदाउट गीजर वाले भी हैं, तो आपको जैसा चाहिए वैसा मिल जाएगा। रात में आने के बाद में हमने यहाँ पे खाना खाया था और बहुत ही बढ़िया खाना था। कैसे हैं जी? बहुत बढ़िया, खाना खा के मज़ा आ गया था रात को। तो आप भी आए? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, दर्शन कराएं एक बार पहले। देखिए नारियल पानी भी मिल जाएगा आपको, और मौसम है आमों का तो आम भी है।
सब कुछ मिल जाएगा अगर आप कुछ नहीं भी लेके आते हैं घर से। तो यहाँ पे अब हो गए हैं दो रास्ते, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है यह है मुख्य मंदिर तक ले जाने वाला मार्ग है, और इस तरफ से आप जा सकते हैं घाट वाले एरिया तक। वहां पे उस पुल को पार करके आप उस तरफ जाके वहां के जो स्थान है उनके दर्शन कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं मुख्य मार्ग की तरफ। जैसा प्रसाद आप लेना चाहें वैसा ले सकते हैं। तो ये है मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार। चलिए करते हैं मंदिर के अंदर प्रवेश। जय गंगा मैया। प्रविष्ट हो चुके हैं हम गंगोत्री धाम मंदिर में। देख सकते हैं आप, यह मंदिर का पिछला भाग सफेद रंग से रंगा हुआ है। यह चलिए चलते हैं आगे। ये है घाट की तरफ जाने का रास्ता, तो इससे भी हम जाएंगे वहां पे आगे, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं गंगोत्री धाम को। यहाँ पे आप देख सकते हैं हनुमान जी का मंदिर है, बजरंगबली विराज रहे हैं यहाँ। जय हो बजरंगबली। अरे नहीं तो माता जी प्रसाद। इस तरफ है भगवान शिव का मंदिर। जब मंदिर के पट खुले थे तब का यह श्रृंगार किया गया था, सूख चुका है लेकिन फिर भी अभी भी अच्छा लग रहा है। ये देखिए, दर्शन के लिए ऐसे घूम के वहां से लाइन में लगना होगा और फिर आगे आना होगा। ये देखिए गंगा मैया के दर्शन कीजिए, ये घाट वाला एरिया है, पास में भी जाएंगे हम दर्शन करने के बाद में। शॉर्टकट अपनाती हुई आंटी। शॉर्टकट लगा लिया इन्होंने। लाइन में लगते लगते हम आ पहुंचे हैं अब इस स्थान पर। सामने आप देख सकते हैं गंगोत्री धाम का ये मंदिर। मंदिर के ठीक पहले यहाँ राइट साइड में आप देख सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम है, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप। अब बस इतनी दूरी तय करना बचा है, वहां पे अंदर जाके दर्शन होंगे। ऊपर आप देख सकते हैं वहाँ बाबा काली कमली वाले जो हैं उनका यात्री निवास है, और उस तरफ है गढ़वाल मंडल विकास निगम का यात्री निवास। ज्यादातर मंदिरों की तरह यहाँ भी गर्भगृह के अंदर फोटो लेना वीडियो शूट करना मना है, इसलिए अंदर के दर्शन ऐसे नहीं होंगे। लेकिन जो शाम को आरती होती है संध्याकालीन आरती, उसमें पट खुलते हैं तो मैं दूर से आपको क्लोजअप लेके दर्शन जरूर करवा दूंगा। अभी फिलहाल जहाँ तक जा सकते हैं वहां तक चलिए। वहां से दर्शन करके इस तरफ आ गए हैं। यह है मंदिर का पिछला भाग। जय हो माँ गंगा की। अब जाना होगा हमें इस तरफ से बाहर। आ गए हैं हम बाहर। जय गंगा मैया। मनोकामना की चुनरियां जो है वो सब यहाँ पे चढ़ाई गई, और माता के लिए जो देखिए पूजन सामग्री में लेके आते हैं भक्तगण, उनको भी यहाँ पे चढ़ाया गया है। मेहंदी भी है इसमें, कंघा है, सिंदूर है, काजल है, और शीशा दर्पण है वो भी है। ये देखिए अंदर अच्छे से दर्शन हो गए हैं माँ गंगा के। थोड़ा बहुत समय लगा, 15 से 20 मिनट का समय मानता हूँ कि लाइन के अंदर यहाँ तक पहुँचने में लगा। उसके बाद में एक एक करके जैसे दर्शन करते हुए आगे बढ़ते रहे, और अब आ गया हूँ मैं यहाँ बाहर। भक्तगण देखिए भजन गाते हुए आगे बढ़ रहे हैं दर्शन के लिए। बहुत ही बढ़िया दृश्य है ये। और इस तरफ आप देख सकते हैं प्राचीन अखंड धूना जो है, यह धुणे का स्थान है। जय गंगा मैया। अब बताता हूँ आपको मैं गंगा मैया की महिमा के बारे में।
जो गंगा मैया है उनका अवतरण हुआ था स्वर्ग से धरती पर। मान्यताओं के अनुसार गंगा मैया की जो उत्पत्ति हुई थी वो भगवान विष्णु श्री नारायण के चरणों से हुई थी। उनके चरणों से जो बूंदे निकली थी उनको ब्रह्मा जी ने कमंडल में भर लिया था और कहा जाता है कि वही बाद में स्वर्ग में गंगा जी के रूप में निवास करने लगी थी। तो इस तरीके से गंगा माँ की उत्पत्ति हुई थी। उसके बाद में उनका यहाँ इस धरा पर कैसे आगमन हुआ वो कथा आपको बताता हूँ। तो प्राचीन काल में भगवान राम के ही जो पूर्वज हुआ करते थे राजा सगर, उनके होते थे 60,000 पुत्र एक पत्नी से, और दूसरी पत्नी से एक पुत्र था जिसका नाम था अश्वमंजस। तो राजा सगर ने एक बार अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था और उसके अंदर जो अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा होता है वह छोड़ दिया जाता है और वह जिस क्षेत्र में विचरण करता हुआ बाद में वापस लौट के आता है बिना किसी रोक टोक के, तो वह क्षेत्र उस राजा का जीता हुआ मान लिया जाता है, वो चक्रवर्ती सम्राट बन जाते हैं। तो इस तरीके से जब राजा ने छोड़ दिया था अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को तो इंद्रदेव जो थे वो चिंतित हो गए थे। उन्हें लगा कि मेरी जो गद्दी है यह खतरे में ना पड़ जाए, इसलिए वो अश्वमेध यज्ञ के अश्व को चुरा लेते हैं और जहाँ पर कपिल मुनि तपस्या कर रहे होते हैं वहाँ पर वो ले जाके उसे बांध देते हैं। राजा सगर के 60,000 पुत्र जो थे वो उस अश्व की तलाश में जगह जगह भटकते रहते हैं और फाइनली वो पहुंच जाते हैं कपिल मुनि के आश्रम में। वहां जैसे ही वो उस अश्व को बंधा हुआ देखते हैं तो उन्हें लगता है कि कपिल मुनि ने ही उनके अश्व को रोक लिया है, तो वह मुनि का अपमान करते हैं, उन्हें अपशब्द कहते हैं। कपिल मुनि की जो कहते हैं तपस्या का जो फल होता है उनमें जो तेज होता है उससे वो जो राजा सगर के 60,000 पुत्र थे वो भस्म हो जाते हैं, 60,000 राग की ढेरियां बन जाती हैं। और जब राजा सगर को इस बात का पता चलता है तो वो क्षमा याचना भी करते हैं, लेकिन तब उन्हें बताया जाता है कि इनकी जो मुक्ति है वो तभी होगी जब स्वर्ग से गंगा मैया धरती पे आएंगी, उनका जो जल है वो इनको स्पर्श कर लेगा तब इनको मोक्ष मिल जाएगा। तो राजा सगर के जो पुत्र थे अश्वमंजस वो इस तरीके से नहीं थे, उनका स्वभाव अलग तरीके का था, तो उन्होंने भी गंगा जी को लाने के लिए तपस्या की। बाद में उनके जो पुत्र थे अंशुमान उन्होंने गंगा जी को लाने के लिए बहुत सालों तक तपस्या की, गंगा मैया प्रसन्न नहीं हुई। उसके बाद में उनके जो पुत्र थे राजा दिलीप उन्होंने बहुत तपस्या की लेकिन गंगा मैया प्रसन्न नहीं हुई। उसके बाद में राजा दिलीप के जो पुत्र थे भागीरथ जी उन्होंने तपस्या की 5,000 वर्षों से अधिक समय के लिए और उनकी तपस्या से गंगा मैया हो जाती है प्रसन्न, वो इस धरा पर आने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन प्रश्न उठता है कि गंगा मैया का ये जो प्रबल वेग है यह धरती माता सहन नहीं कर पाएगी, तो क्या किया जाए, कौन गंगा मैया को रोक सकता है, उनके वेग को सहन कर सकता है। तो सब देव जाते हैं भगवान भोलेनाथ के पास में, उनसे विनती करते हैं और भगवान भोलेनाथ तैयार हो जाते हैं। गंगा मैया जब स्वर्ग से नीचे आ रही होती है तो उनके मन में थोड़ा सा गर्व आ जाता है कि मैं तो भोलेनाथ को भी अपने साथ बहा के ले जाऊंगी। भोलेनाथ जान जाते हैं और तब वो अपनी जटाओं को खोल के गंगा मैया को बांध के कैद कर लेते हैं। तब भागीरथ जी उनसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरे पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा मैया को क्षमा कीजिए, इन्हें मुक्त कीजिए। तो भगवान शिव की जटाओं से जो आपने चित्रों में गंगा मैया बहते हुए देखी है उसका प्रसंग ये वाला है। तो इस तरीके से गंगा मैया जो है वो मुक्त हो जाती हैं। लेकिन इस समय जब भगवान शिव उनको मुक्त कर देते हैं धरती पर जब वो आती हैं उस समय हो जाती है एक घटना जिसकी वजह से गंगा मैया को मिल गया था उनका एक और नाम जाह्नवी। जी हाँ, जाह्नू ऋषि जो थे उनका आश्रम गंगा मैया के प्रबल वेग से बह जाता है और इस वजह से मुनि जो होते हैं वो रुष्ट हो जाते हैं और वो गंगा मैया को पूरा पी जाते हैं। तब भागीरथ जी उनसे फिर से प्रार्थना करते हैं कि हे मुनिवर, मैंने तो प्रार्थना करके गंगा मैया को स्वर्ग से धरा पे बुलाया है मेरे पूर्वजों के उद्धार के लिए, कृपा उनको मुक्त कीजिए। ऋषि उनकी बात मान जाते हैं, गंगा मैया को फिर से मुक्त कर देते हैं, गंगा मैया जाती हैं और जैसे ही 60,000 पुत्र जो थे राजा सगर के उनकी जो राग की ढेरियां थी उनसे गंगा मैया का जल स्पर्श होता है, उन सबको मुक्ति मिल जाती है। तो जाह्नू ऋषि के कारण गंगा मैया का एक नाम जाह्नवी भी पड़ गया था। भागीरथ जी उन्हें स्वर्ग से धरती पे लाए थे इसलिए वो कहलाई भागीरथी। वैसे जो गंगा मैया का जो नाम है गंगा वो यहाँ इस जगह से नहीं पड़ता है, यहाँ से जब वो निकलती हैं तब वो कहलाती हैं भागीरथी, भागीरथ जी के नाम पे। और जब देवप्रयाग में उनका संगम होता है अलकनंदा के साथ में, जब दोनों जलधाराएं मिल जाती हैं तब वो वहाँ से कहलाती है गंगा, गंगा मैया बाद में आगे जाके बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो ये थी गंगा मैया की कथा, इनका महत्व आप जानते ही हैं कि समस्त पापों का नाश करने वाली है, गंगा मैया के जल के स्पर्श से सभी के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो अब चल के हम देखते हैं यहाँ गंगोत्री धाम के बाकी के स्थान कैसे हैं। मंदिर के दर्शन के बाद में अब चलते हैं घाट की तरफ
पास में जाके करते हैं गंगा मैया का स्पर्श। स्नान तो नहीं कर पाऊंगा मैं अभी, लेकिन गंगा मैया का जल जो है वो स्पर्श जरूर करूंगा। आइए, ये है भागीरथ जी की तपस्थली, यहीं पे उन्होंने तपस्या की थी। 5500 वर्षों तक तपस्या की थी उन्होंने। ये देखिए, ये है भागीरथ जी की प्रतिमा। इसी स्थान पर उन्होंने 5500 वर्षों तक तपस्या की थी माँ गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाने के लिए। जय गंगा मैया। यहाँ पर है गणेश जी का मंदिर। जय हो भगवान गणेश जी की। परिवार के साथ में आप आरती करना चाहते हैं तो उसके लिए 2100 रुपये का शुल्क है, और विशेष पर्वों पर 3100 रुपये आपको पे करने होते हैं। यहाँ पे आप रसीद बनवा सकते हैं, आरती संपन्न करवा सकते हैं। और ये गद्दी व कार्यालय है, ये देखिए। उस तरफ है धारा आरती स्थल और ये आ गया है मुख्य स्नान घाट, मुख्य पूजा स्थल। पिंडदान तर्पण भी संपन्न होता है यहाँ। ये देखिए यहाँ कैसे बह रही है गंगा मैया प्रबल वेग से। ये है घाट के दूसरे तरफ का एरिया। जय हो गंगा मैया की। जल है, शीतल है काफी, और सुबह जैसे स्नान किया था होटल में वैसे ही, उससे थोड़ा सा ज्यादा ही ठंडा है। यहाँ स्नान हो रहा है। भागीरथ जी गंगा मैया को लेके जा रहे हैं अपने पूर्वजों के मोक्ष प्राप्ति हेतु। जानू ऋषि ने गंगा मैया को पी लिया था, भागीरथ जी ने उनको मुक्त करवाया था और गंगा मैया को मिला था नाम जाह्नवी। ये देखिए वो प्रसंग है यहाँ। जय हो गंगा मैया। पुल के इस तरफ वाला गंगोत्री धाम मैं आपको दिखा चुका हूँ। अब करते हैं पुल को पार और जाते हैं उस तरफ और देखते हैं गंगोत्री धाम में वहां पर क्या क्या है। बीच में ये बड़ी बड़ी चट्टाने पड़ी हुई है और इनके बीच में से निकल के आगे जा रहा है भागीरथी मैया का जल। पार करके इस तरफ आने पर यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं गेस्ट हाउस होटल्स, यहाँ भी रुकने की व्यवस्था है। अगर आपको उस तरफ नहीं मिलते हैं, भीड़ ज्यादा होती है, तो आप इस तरफ भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ से गंगा मैया का दूर तक का व्यू दिखता है, घाट दिखता है पूरा। ये देखिए आप कितने प्यारे प्यारे बादल तैयार हुए हैं वहाँ पहाड़ के ऊपर, रुई के गुच्छे जैसे हैं बिल्कुल। अब मैं आपको बताना चाहूंगा इस चार धाम यात्रा से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। देखिए चार धाम यात्रा के अंदर ही सम्मिलित है गंगोत्री धाम, और यहाँ की यात्रा करने के लिए भी आपको वही प्रोसेस करनी होगी जो बाकी के धामों की यात्रा के लिए होती है।
तो सबसे पहले आपको जाना होगा चार धाम यात्रा के लिए जो अधिकृत वेबसाइट है उसके ऊपर। आप वहां जाके कर सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहते हैं तो जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के काउंटर्स हैं जो ऋषिकेश के अंदर भी है, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इंडिविजुअल यात्रा करना चाहें तो भी कर सकते हैं, या फिर आप अपने मित्रगणों दोस्तों के साथ में परिवारजनों के साथ में यात्रा करना चाहते हैं ग्रुप में तो आप ग्रुप यात्रा का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन करेंगे तो इजी पड़ेगा आपके लिए, आपको कहीं चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, और सबसे खास बात है इसका कोई चार्ज नहीं है। बद्रीनाथ धाम और गंगोत्री धाम में आपको ज्यादा कोई चढ़ाई नहीं करनी पड़ती है, पैदल चल के ही आप आते हैं तो उसमें कोई थकान नहीं होती है। लेकिन केदारनाथ धाम और यमुनोत्री धाम में है अच्छी खासी चढ़ाई, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, 10-15 दिन पहले आपको 4-5 किलोमीटर पैदल चलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, और ब्रीदिंग की भी थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप कर सकते हैं जो अनुलोम विलोम कपाल भाती ये सब करना चाहें तो आप अपने लंग्स को स्ट्रांग बना सकते हैं। बाकी यात्रा स्टार्ट करते हैं तो अपने साथ में खास जरूरी दवाइयां जो होती हैं, पेट दर्द, सर दर्द, बुखार, लूज मोशन, ये जो आम प्रॉब्लम है आपको अपने साथ में रखनी चाहिए। और खाने पीने में आप ऐसा ही खाएं कि जो ज़्यादा गरिष्ट भोजन ना हो, जो इजीली पच जाए। दवाइयां आपने ले ली है, बात आती है फिर कपड़ों की, तो कपड़े चाहिए आपको गर्म कपड़े, जैसे कि मैंने अभी पहन रखी है। उतनी ज़्यादा ठंड अभी नहीं है लेकिन शाम को ठंड हो जाएगी, आप कौन से मौसम में आ रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन हल्के गर्म कपड़े आपको साथ लाने ही चाहिए। एक जैकेट आप रख लेंगे हल्की सी और अच्छी गर्म वाली तो बढ़िया है। दूसरी होती है बात कंफर्टेबल शूज़ की ट्रैकिंग के लिए। यहाँ पे तो आप स्लीपर्स में भी आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो अच्छे कंफर्टेबल शूज़ आपको वो चाहिए होते हैं। बाकी आपको क्या है कि जो नियम होते हैं यहाँ के, साफ़ सफाई रखनी है, गंदगी नहीं फैलानी है, कचरा इधर उधर नहीं फैलाना है, ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना है, बाकी आपको अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। अब दर्शन कीजिए गंगोत्री के गंगा घाट पर हर शाम 7 बजे होने वाली संध्याकालीन गंगा आरती के, और उसके बाद मैं आपको दर्शन कराऊंगा मुख्य मंदिर में होने वाली आरती के, जहां आप दर्शन कर पाएंगे मां गंगा के। के साथ में होता है समाप्त माँ गंगा के गंगोत्री धाम का ये ब्लॉग। आशा करता हूँ दर्शन करके आपको आनंद फल की प्राप्ति हुई होगी। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो आप जानते हैं आपको करना क्या है, आपको इसे लाइक करना है, शेयर करना है अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में, साथ ही कमेंट करके पहुँचाने हैं आपके विचार मुझे तक। इस ब्लॉग के थ्रू जो पहली बार चैनल पे आए हैं उनसे यही है कहना कि जो सब्सक्राइब बटन है इसे दबा दें और साथ ही प्रेस कर दें बेल आइकन को और चुन लें ऑल वाले ऑप्शन को। इसका फायदा ये होगा भविष्य में जो भी ब्लॉग्स आएंगे उनके नोटिफिकेशंस आप तक अपने आप आएंगे, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर तो ये जो आईडी डिस्प्ले हो रही है इसे सर्च कीजिए और कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। जाते जाते आपसे बस इतना ही है कहना कि यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।